पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। इस कमरे में सारी मशाले जल रही हैं, फिर ये तीन मशाले क्यों बुझी हुई हैं? ये रही कील। वहां कोई नहीं जा सकता और कोई जाने की कोशिश भी करता है तो जिंदा कभी नहीं लौटता। अगर शगुफ्ता बेगम की कही बात सच है, मैं इस कील को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। मेरा अंदाजा सही था। अगर मैंने इस कील को अपने हाथों से छुआ तो मेरे हाथ जल के खाक हो जाएंगे। तू उसे छुए या ना छुए, तुझे तेरी मौत जरूर छुएगी। मिल गया रास्ता। कील अब अपनी असली जगह से बाहर आ चुकी है। उम्मीद करता हूं अभी मेरे हाथ को जलाकर खाक नहीं करेगी। या खुदा, मेरा भरोसा मत तोड़ना। ये कील तो मैंने पा ली है और अब जल्दी से जाकर मुझे इस कील से उस हैवान को काबू करना होगा, तभी मैं अपनी मर्जीना को बचा पाऊंगा। मर्जीना, अब हमारी तीसरी रस्म की बारी है। उस तीसरे रस्म को पूरा करने में आप कहीं घबराएंगी तो नहीं? जी नहीं, हम नहीं घबराएंगे। हमें आपको हैवान के साये से आजाद करना है। बताइए हमें, क्या है तीसरी रस्म? हमें हमारी बद्दुआ से बचने के लिए हमें आखिरी बार हैवान बनकर किसी पर हमला करना होगा। क्या हमला? फिर किस पे? हमें हमारे साथ निकाह करने वाली लड़की पर हमला करना होगा, जो कि आप हैं। जब आपको हमारा दर्द महसूस होगा तो हम एक हो जाएंगे हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए इंसान बन जाएंगे। आप घबराइए मत, हम आप पर जानलेवा हमला नहीं करेंगे। बस आपकी गर्दन पर प्यार से दांत काटेंगे। मर्जीना, क्या आप हमें इसकी इजाजत देती हैं? मर्जीना बोलिए, सिर्फ आप ही हमें हैवान के साए से बचा सकती हैं। बताइए, क्या आप हमें हमला करने की इजाजत देती हैं? शहजादे और शहर के लोगों की हिफाजत के लिए हमें तीसरी रस्म पूरी करनी ही होगी। इजाजत है शहजादे। मुबारक हो,
अब जैसे ही हम आपकी गर्दन पर दांत काटेंगे और आप तीसरा कुबूल है बोलेंगी, ये शादी कुबूल हो जाएगी और आप हैवान बन जाएंगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मर्जीना अपनी आंखें खोलो, मर्जीना अपनी आंखें खोलो। लीफी, चलते चलते तो मैं थक गया, और नहीं चलना चाहता लीफी। हाँ पापा, मैं भी बहुत थक गई। लीफी, ऐसे तो परवाज वापस जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है, और रात भी काफी हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, आज की रात यहीं गुजार लेते हैं, कल सुबह के उजाले में रास्ता ढूंढना आसान होगा। आपा, यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं हैदा, यहाँ आसपास कोई खतरा नहीं है, और अगर कोई खतरा आएगा भी तो हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। चलो लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं आग जलाने के लिए। चलो के नाम पे तो इससे हिला भी नहीं जा रहा, और अभी खाने का नाम ले लो तो उठ के भागने लगेगा ये। अलीफिया पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ये जगह महफूज तो है ना? हाँ लीफी, मैंने भी सुना है कि ऐसे बियाबान में बहुत जिन्नात का घर होता है। नफी, हैदा, जब तक हम सब साथ हैं ना, कोई भी जिन्नात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह होते तो हमें घर निकलना है, तभी सोचा था। मर्जीना अपनी आंखें खोलो, मर्जीना अपनी आंखें खोलो।
इसको ये कील कैसे मिली? इसके बारे में तो सिर्फ अम्मी जान जानती थी और वो तो कुर्बान हो चुकी हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।